अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? सब खैरियत से हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ जो आपकी सेहत के लिए बेहतर हैं। तो आज इंशाल्लाह हम कुछ चीज़ें वो क्लियर करेंगे जो कि आपके फ़ायदे के लिए, ठीक है? तो इसलिए मैंने सारी पहले बॉल में कटिंग वगैरह करवा दी कि इसको सही तरह हम कटिंग करके आपको बता सकेंगे। अदर जो दोपहर का हमारा खाना होता है, जैसे आपके जो दोपहर में खाना खाते हैं सुबह शाम, तो वैसे खाना रूटीन में होता है। कुछ लोग सुबह दोपहर शाम खाते हैं, लेकिन मैं दोपहर में ज़्यादातर साइड सलाद को जो है ना वो मैं रिकमेंड करता हूँ सबको। मैं और बिग ब्रो जो मेरा बड़ा भाई है, वो हम सारे बैठ के तकरीबन दोपहर का जो है ना सलाद वगैरह वो यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो अभी हमने इस पे थोड़ी सी कटिंग की है। ये जो आजकल, ठीक है, आम चीज़ें मिल जाती हैं लेकिन फ्रेश मिल रही हैं, ठीक है ना? आपको पता है आज का मौसम जो है ना, ये मौसम जो सर्दी वाला मौसम होता है, इसमें काफ़ी चीज़ें जो होती हैं फ्रेश मिल जाती हैं, ठीक है? तो गर्मी में आपको पता है ये चीज़ें कुछ कम मिलने को मिलती हैं, क्योंकि ये इसमें आजकल ये दिनों में इनकी जो चल रही है पैदावार चल रही है। तो ये मूली है हमारे पास, ये खीरा है, ठीक है, ये हर चीज़ हमने मिक्स की हुई है, टमाटर है, और ये हरी मिर्च भी है। वो हरी मिर्च तो वैसे यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी इसको यूज़ करना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर आपके अंदर ताकत हो कुछ यूज़ करने की तो हरी मिर्च को यूज़ करना चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके बाद ये हमने और भी कुछ चीज़ें जो जो आप मिलाना चाह रहे हैं, और गाजरें हमने थोड़ी सी कटिंग की, इसमें बॉल बना के ये पूरा ये दो बंदे बना के खा सकते हैं, जिससे आपकी ना तो सेहत ठीक होगी, इसके साथ आपका मैदा, जिस्मानी हालत, जो भी आपको प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि जिस समय आपको मैदे की डिस्टर्बेशन रहती है, अदर्स जो आपको प्रॉब्लम होती है कि यार मुझे ये मसला हो रहा है, खाने में मसला है, मुझे कब्ज़ हो जाती है, अदर्स कोई भी मसला हो तो आप इसमें इनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये आप रूटीन से यूज़ करें तो 100 से 80% मुझे लगता है कि आपको ये मसला नहीं होने वाला। लेमन मैंने इसलिए इस पर थोड़ा सा कर दिया क्योंकि ये थोड़ा सा जायके में थोड़ा सा चेंजिंग हो जाती है, लेकिन लेमन ना करें तो बेहतर है, लेकिन ये अच्छा भी रहता है, इसका नुकसान भी कोई नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं यार इसको, हाँ, लेमन को डायरेक्ट यूज़ करने से आपको नुकसान हो सकता है। अदर्स लोग कुछ रूटीन में यूज़ करते हैं, फेस में यूज़ कर सकते हैं आप, अदर कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको ज़्यादा ना इस्तेमाल करें। वीक में एक दो दफ़ा कर लिए तो कोई मसला नहीं, लेकिन इसके ऊपर इतना कोई मसला नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत सारे फ़ायदे आते हैं। उसके बाद ये आपको पता है ये बहुत ज़्यादा स्किन पे जो है ना हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके बाद खीरा स्किन पे इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने से ही अंदरूनी सख्त अगर बेहतर होगी तो इंशाल्लाह इसको यूज़ करने में कैसी होगी, यूज़ करने से आपकी बिरूनी और अंदरूनी दोनों चीज़ें बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो मेरे ख्याल में आपको ये चीज़ें खानी चाहिए और रूटीन में अपनी खुराक में इसको शामिल रखना चाहिए। तो जब आप इस चीज़ को खुराक में शामिल रखेंगे, सुबह दोपहर शाम ना करें, लेकिन दोपहर के टाइम किसी एक टाइम में आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोपहर के टाइम बहुत ज़बरदस्त। इसके नीचे प्याज भी है जो दोपहर के टाइम में हम इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको उठा के नहीं बता सकते क्योंकि काफ़ी चीज़ें हमने नीचे कटिंग की हुई हैं। तो खैर, ये मैंने आपको जो जो दिखाना, मैं ऊपर से दिखा सकता हूँ। तो इसमें काफ़ी चीज़ें हमने ना छोटी छोटी जो मिल सकती हैं आप आसानी से, वो ला के आप कटिंग कर लें और उसका सैलेड बना लें। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है आपको ये क्लिप अच्छा लगा होगा। ये आपकी, यार देखिए, मैं एक मेडिकल से हूँ और मेडिकल से जो भी भाई होगा या हमारी को बहना होगी, जो भी मेडिकल से रिलेटेड होगा, वो आपको अच्छे तरीके से समझा सकेंगे, लेकिन मैंने आपको खुला खुला बता देता हूँ कि भाई इसमें ये फ़ायदा है, ये फ़ायदा है, तो वो कर भी लिया करें। नेक्स्ट आने वाली ज़िंदगी में आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है ना फ़ायदा भी होगा। इन चीज़ों से क्या होगा कि जो दिल का दौरा पड़ता है जी, ब्लड प्रेशर का मसला बनता है जी, अदर्स कोई भी मसला बनता है, तो भाई आप अपनी खुराक को बेहतर करें जी, और अपनी चीज़ों को बेहतरी में लाने के लिए आपको खुराक का जो अंदाज़ा लगाना चाहिए, खुराक में आप खाते क्या हैं, ठीक है? और हम अगर जितनी चीज़ें भी खाते हैं तो इसमें कमोबेश आपकी चीज़ें जो है ना चेंज होनी चाहिए। तो अपना और दूसरों का ख्याल भी रखें जी, तो दूसरों को अच्छा मशवरा दें, और अच्छा मशवरा देने वाला जो अलग दोस्त होता है, ठीक है? तो इंशाल्लाह मैंने जो कुछ बताया, मेरे ख्याल में आपको इस चीज़ की समझ भी आई होगी। और साइलेंट बहुत अच्छी चीज़ है भाई, और सुबह शाम दोपहर में कर लें इस्तेमाल, अगर सुबह में करना सुबह में कर लें, शाम को प्याज वगैरह ना खाएं, साइलेंट इस्तेमाल करें, ठीक है, कोई मसला नहीं है। दही इस्तेमाल थोड़ा बहुत सुबह के टाइम कर लें, दोपहर शाम के टाइम ना करें। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो क्लिप अच्छा लगा होगा। तो मेरी आने वाली वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप कोशिश किया करें इसको शेयर कर दिया करें, तो ये दूसरों को भी फ़ायदा हो। तो मैं कुछ वीडियोस अपलोड करता हूँ जो आपकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए होती हैं,
अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।